मर्डर केस को लेकर हमारे संवाददाता अमन गुप्ता ने क्षेत्रीय जनता से बात की। ताजनगरी आगरा के लोगों का कहना है कि श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी को सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को अलग अलग काट कर लगातार महीनों से वह फेंक रहा है, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। इस तरह के दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं और उनको जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं। दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर केस पर जब हमने ताजनगरी के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मामला प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी हिंदू बेटियां ऐसे लोगों का शिकार हो रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आफताब नाम के मुस्लिम समाज के लड़के ने श्रद्धा को अपना शिकार बनाया और उसके 25 टुकड़े कर 2 महीने तक अलग अलग जगह फेंकता रहा, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा कम है। साथ ही कहा कि हिंदू समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई लड़की इस तरह का शिकार ना हो सके। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सुनील शर्मा, एडवोकेट भैया, कुछ दीवानी कचहरी आगरा। एक तरह से दरवाजा वाला केस किया गया, श्रद्धा जो हिंदू लड़की है कि 35 टोकड़े मुस्लिम समाज की लड़की ने अफताब ने कर दी, क्या कहना है आपका? क्या सबसे पहले तो ये धर्मांतरण जो कानून हो उसको व्यापक इसमें वो करना चाहिए, रद्दोबदल करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लिविंग वाला जो रहने का जो बनाया हुआ है उसको भी धर्मांतरण कानून में लाना चाहिए। नहीं, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहेगी और कोई भी आपदा किसी लड़की को काटता रहेगा, हिंदू लड़की, और इसी तरह की घटनाएं घटित होती रहेंगी, इस पर रोक लगनी चाहिए। लड़कियां इस तरह से लड़कों के मुस्लिम लड़कियां उसमें बहकावे में आ जाती हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम तो ये हिंदू लड़की मालूम ही नहीं पड़ पाता ये लड़का दूसरे मजहब का है, जब तक तो मालूम पड़ पाता जब तक वो उसका प्रेम प्रसंग उसकी गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, तो मजबूरन ये सबरे काम हो जाते हैं जो होने नहीं चाहिए। क्या भैया क्या चाहिए सर, इसे गिरफ्तार भी कर लिया एक तरह, किस तरह से उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या मांग रही है आप लोगों की? जो उसके साक्ष्य भी मिले हैं, दिल्ली पुलिस जो लगी हुई है पिछले 2 दिन से आपदा के लिए जंगलों में ले जा रही है, उसकी लाश के टुकड़े बर्बाद कर रही है, ऐसी स्थिति में ऐसे घटन अपराध में फांसी के अलावा कोई और सजा होनी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर धर्मांतरण कानून के अंदर कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था हो, जो लिविंग वाला जो चल रहा है पर्सनल लिविंग वाला, उसमें भी कोई ना कोई इसको धर्मांतरण कानून में लाना चाहिए। नितिन वर्मा, एडवोकेट। नितिन वर्मा एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ। तो दिल्ली में जो घटना हुई है बहुत ही विभत्स और ऐसी घटना है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिविंग रिलेशनशिप को एक प्रकार की अमूक कानूनी मान्यता दे दी गई है, और उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं आजकल संज्ञान में आ रही हैं, क्योंकि ये कंडीशन भी लिविंग रिलेशनशिप वाली ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता लगी है। और ये बहुत ही जघन्य हत्याकांड है, इसमें जैसे इस तरीके से एक नरभक्षी, मैं तो उस व्यक्ति को नरभक्षी कहूँगा, जिसने 35 टुकड़े करके और लगभग कई दिनों तक रेफ्रिजरेटर में लाश को रखा और इधर उधर फेंका, तो इस पे एक ठोस कानून की ज़रूरत है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऊपर एक बड़ा कानून बना के एक नए आयाम स्थापित किए हैं उत्तर प्रदेश में, उसी प्रकार से अन्य प्रदेशों की सरकार को भी इसी प्रकार के सख्त कानून बनाने चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं रुक सकें। ये क्या कहेंगे, इस लड़की ने इस तरह से हत्या की और किस तरह की सजा फिर मिलनी चाहिए, क्या कहना है? देखिए, कानून का दायरा बहुत व्यापक है, वरना इस तरीके के जघन हत्याकांड के लिए तो एक सजा होती है, वो है फांसी। हम इसमें फांसी से कम अपील कर ही नहीं सकते, फांसी होनी चाहिए और हिंदूवादी संगठनों को भी इस आवाज़ को और बुलंद करना चाहिए और केंद्र में सरकार को नए कानून बना के इस प्रकार की घटनाओं में लड़कियों के बारे में जो इस तरीके से बहकावे में आ जाती हैं और चली जाती हैं, फिर इस तरह से व्यवहार होता है, फिर ये घटना घटती है उनके बारे में, देखिए माता पेरेंट्स से क्या कहेंगे? ये तो उनका व्यक्तिगत जीवन है, इस पर तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती, बस उनको सिखाया और समझाया और अपने घर में संस्कारों के माध्यम से बताया जा सकता है कि यदि कोई कलावा बांध के सलीम आपसे मिले और अपने आप को सोनू बताए तो पहले उसकी पहचान करें, उसके बाद
उसके साथ कोई काम करें। मैं धर्मेंद्र आगाड़ महानगर अध्यक्ष योगी युद्ध ब्रिगेड आगरा। क्या कहेंगे धर्मेंद्र भाई, जिस तरह से दिल्ली में श्रद्धा शिकार हुई है, समाज लड़के ने 35 कपड़े किए, किस तरीके से क्या हुई है, क्या कहेंगे हिंदुवादी संगठन है, उसमें क्या संज्ञान लेने वाले? देखिए, हमारे भारत देश के अंदर ऐसी घटनाएं आए दिन घटित हो रही हैं। इनको इस्लामिक के तहत, इनको जो साजिश है, इनकी जो लव जिहाद है, लव जिहाद के तहत हमारी हिंदू बहन बेटियों को आए दिन साजिश के तहत इनको फटाया जा रहा है। पहले ये लोग कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं और अपना नाम भी हिंदू रखते हैं। उसके बाद में हमारी बहन बेटियों को फंसाने के बाद में जब इनकी हकीकत मालूम चलती है कि ये लोग मुसलमान हैं, इस्लामिक हैं, जब वो बहन बेटियाँ अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं तो ये लोग उनका कत्ल कर देते हैं, और कत्ल भी बड़ी ही बेरहमी से करते हैं। जैसे अभी श्रद्धा का कत्ल हुआ है, अवताक ने किया है, ऐसे न जाने कितने अवताक हैं जिन्होंने अब तक न जाने कितनी श्रद्धाओं का कत्ल कर दिया है। ऐसे अवताक के लिए तो मैं ये मांग करूंगा कानून से कि इनको फांसी की सजा भी कम है, ऐसे लोगों को ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। इनके 35 नहीं, इनके 70 टुकड़े करने चाहिए। क्या कहेंगे 35 टुकड़े करके उन्होंने 3 महीने तक फ्रिज में अपने घरों में रखे रहा? देखिए, वहाँ दिल्ली में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, कोई पहली घटना नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है केजरीवाल की, वो खुलेआम ऐसे लोगों को समर्थन करती है। इससे पहले भी दिल्ली में जब दंगा हुए थे तो वहाँ भी मुसलमानों ने भी समर्थन किया था, और केजरीवाल के नेता जो भी वहाँ विधायक और जो पार्षद हैं वो भी खुलेआम समर्थन करते हैं। तीसरा दिन हो गया लगभग, अभी तक उस लड़के को कस्टडी में ही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन बड़े शर्म की बात यह है कि आज वो लोग बिलों में घुसे हुए हैं, जो पहले बहुत आवाज उठाया करते थे, आज ओवैसी कुछ भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। आज सेकुलर लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, आज बिल्कुल बिल में घुसे हुए हैं। अब क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्या ये किसी की बहन बेटी नहीं थी श्रद्धा, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? इसके लिए भी हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए और ऐसे सेकुलरों को सबक सिखाना चाहिए।